नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा सोम दिन फिर से मंत्री परिषद विस्तार करने संबंधी प्रसंग से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोम दिन मंत्री परिषद विस्तार कलने। प्रधानमंत्री ओली एमाले के दू आ माओवादी केन्द्र के दू गोटे के थपिक मंत्री परिषद विस्तार कलने। संगे ओली नेतृत्वक मंत्रिमंडल 7 सदस्य बनल। थपल गेल मंत्री सब मध्य नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल के रक्षा मंत्रालय के जिम्मेवारी दल गेल। तेना एमाले के डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के अर्थमंत्री बनाल गेल। माओवादी केन्द्रक वरिष्ठ नेता राम बहादुर थापा बादल के गृहमंत्री के जिम्मेवारी दल गेल। वही पार्टी के नेता मातृका प्रसाद यादव के उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के जिम्मेवारी दल गेल। अहिबीच नवनियुक्त चारू गोटे मंत्री लोकन पद तथा गोपनीयताक शपथ खेलने। राष्ट्रपति विद्या भंडारी सोम दिन बेरिया में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में नवनियुक्त रक्षा मंत्री पोखरेल, गृहमंत्री यादव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री यादव, गृहमंत्री थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री यादव, अर्थमंत्री खतिवड़ा के पद तथा गोपनीयताक शपथ खोने छलखिन। देश जनता को नाम में शपथ लिंचु नेपाल को राजनीतिक सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता नामित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो जिताई तीनों गोटे मंत्री लोकन नेपाली में शपथ खेने छलथि। मातृका प्रसाद यादव मैथिली भाषा में शपथ खेने छलथि। एमाले महासचिव पोखरेल के प्रधानमंत्री ओली बाद के दोसर वरीयता में रह जका रक्षा मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री ओली, विभिन्न राजनीतिक दलक नेता लोकन, मंत्री लोकन, संवैधानिक अंग के प्रमुख लोकन, नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी लोकन के उपस्थिति छलन। नवनियुक्त गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल पदभार ग्रहण कलने। ओ सोम दिन बेरिया में सिंहदरबार स्थित गृह मंत्रालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण कलने। वही अवसर में नवनियुक्त गृहमंत्री थापा जनता के अपेक्षा आ राष्ट्र के आवश्यकता के पूरा कर जका काम कर सुरक्षा निकाय के निर्देशन देने छलथि। नवनियुक्त गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल पदभार ग्रहण कलने। ओ सोम दिन बेरिया में सिंहदरबार स्थित गृह मंत्रालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण कलने। वही अवसर में नवनियुक्त गृहमंत्री थापा जनता के अपेक्षा राष्ट्र के आवश्यकता के पूरा कर जका काम कर सुरक्षा निकाय के निर्देशन देने छलथि। ओ देश नया युग में प्रवेश के उल्लेख करित वही से लौने चुनौती सामना क अगाड़ी बढ़ के प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कने छलित। नवनियुक्त गृहमंत्री थापा निक काम करवाला सबके पुरस्कृत आ नई निक काम करवाला सबके कड़ा कार्रवाई करवाक चेतावनी समेत देने छलित। र एउटा नयाँ युगमा आज नेपालले प्रवेश गरेको छ, त्यो राजनीतिक रूपमा होस् या अन्य रूपमा होस् र यो नयाँ युगले र नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ अवसरहरू, नयाँ कार्यभारहरू, नयाँ आवश्यकताहरू चाहिँ पैदा गरेको छ र यिनै आवश्यकताहरूलाई हामीले पूर्ति गर्ने हो। यो गृह मन्त्रालयले र गृहमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ यी नयाँ आवश्यकताहरूलाई हामीले पुरा गर्नु छ। रक्षा मन्त्री समेत भ चुकल नवनियुक्त गृहमन्त्री थापा बदलित परिस्थिति अनुसार सुरक्षा रणनीति तय करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलखिन। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा सोम दिन बेरियामे पदभार ग्रहण कलने। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से शपथ लेने लगते ओ सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय में पहुँचकर पदभार ग्रहण कलने। वही अवसर में ओ संचारकर्मी सब समक्ष अर्थमंत्री के रूप में नागरिक के अर्थ संबंधी मौलिक हक के कार्यान्वयन में ले जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। नवनियुक्त अर्थमंत्री खतिवड़ा संविधान से निर्देश कयने अनुसार के अर्थतंत्र निर्माण में लाग पड़बाक अपन दायित्व रहल समेत स्पष्ट कयने छलथि।
वो वित्तीय अनुशासन हीनता के अंत करबाक घोषणा समेत करने छलथि। अर्थमंत्री खतिवड़ा प्रधानमंत्री के निर्देशन अनुसार महागठबंधन तैयार केने चुनावी घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में लजेबाक समेत धारणा रखले। संविधानमा भएका मौलिक हकहरू जसमा आर्थिक नागरिकका आर्थिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रावधान छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा जे भनिएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने हामीले आर्थिक बजेट प्रणालीबाट हो त्यसमा हामीले लाग्नुपर्छ। त्यसपछि अहिले हामी वाम गठबन्धनको तर्फबाट सरकारमा सामेल छौँ, हामीले जनता समक्ष केही प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ यो कामहरू गर्छौँ भनेर, त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानु हाम्रो दायित्व हुन्छ त्यसमा हामी लाग्छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्, विभिन्न चरणमा हामीले हाम्रो मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ, त्यो कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई उपलब्धिको तहसम्म पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हुन्छ र अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो कर्तव्य त्यो हुनेछ। यसलाई मैले मेरो पहिलो दायित्वको रूपमा राखेको छु। दोस्रो, अहिलेको संविधानले मार्ग निर्दिष्ट गरेअनुसार सरकारका भूमिकाहरू केही निश्चित छन्। हामी लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीतर्फ उन्मुख गरिरहने क्रममा तत्कालका लागि हामीले संविधान प्रदत्त लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अघि बढ्न राज्यको भूमिकालाई अग्रणी, राज्यको भूमिकालाई नेतृत्वदायी, राज्यको भूमिकालाई अभिभावक अभिभावकीय र साँच्चै भन्ने हो भने सम्पूर्ण मुलुकको नागरिकको सुरक्षा दिने आर्थिक रूपमा त्यो जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ। तर त्यो लिने क्रममा राज्यले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ र त्यो सहकार्यहरू चाहिँ परिपूरक हुन्छन्। त्यो परिपूरकताको सिद्धान्तभित्र रहेर राज्य निजी क्षेत्र र नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडा विकास आ मौद्रिक नीतिके विज्ञ छथि। ओ राष्ट्रिय योजना आयोगके उपाध्यक्ष आ नेपाल राष्ट्र बैंकके गवर्नरके भूमिका समेत कुशलतापूर्वक निर्वाह कह चुकल छथि। ओले नेतृत्व अघिल्का सरकारमे समेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडा आर्थिक नीति निर्माणमे उल्लेख्य भूमिका निर्वाह कयने छलथि। अर्थमन्त्रीके रूपमे लोक कल्याणकारी राज्यके अवधारणा अनुसार अगाडि बढब हुनक योजना अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संविधान संशोधन करबाक राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाओल गेल तहन मात्र सरकार में सहभागी होबाक स्पष्ट कयलक अछि। पार्टीक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तारूढ़ एमाले माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन का अपना सबके विगत में उठाओल गेल मांग आ समस्या समाधान करबाक राजनीतिक प्रतिबद्धता जनौलक तहन मात्र सरकार में सहभागी होबाक स्पष्ट कयलक अछि। सोमदिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीन कुनेमे पार्टीक शीर्ष नेता सबसँगे के छलफल के बाद संचारकर्मी सब समक्ष बातचीत करैत सरकार में सहभागी होबय वाला बात संविधान संशोधन आ पार्टी विगत में उठबैत आयल माग संग जोड़ल गेलासँ ओकर संबोधन नहि भ नहि होबाक तर्क समेत रखलेने छै। फोरम सरकार में सहभागी नहि होयब तैयो सरकार के साथ देबाक प्रतिबद्धता जनबैत आयल अछि। समस्याको समाधान र संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ। अब उतापट्टिबाट के जवाब आउँछ, त्यसको लागि तयार हुन्छ हुन्न, त्यसैमा निर्भर गर्छ हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ हुन्न भन्ने कुरा। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सवाल छ, हामीले भन्दै पनि आएका हौँ कि वाम गठबन्धनलाई बहुमत पुगेकै छ सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी फरक बेन्चमा बसेर पनि चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छौँ, तर सरकारमा सहभागिता संविधान संशोधन र समस्याको समाधान, हामीले उठाएका मुद्दाको समाधानसँग जोडिएको छ र यस विषयमा कुराहरू छिटफुट रूपमा कहिलेकाहीँ हुने गएका छ, ठोस निष्कर्षमा पुगेको छैन। भनेपछि तपाईँलाई लिखित प्रतिबद्धता चाहियो? होइन, यसमा चाहिँ होइन, पोलिटिकल एग्रिमेन्टै हुनु पऱ्यो। लिखित मुखी भन्ने कुरा पनि के भने पोलिटिकल एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो। हुन त लिखितै हुन्छ नि, मौखिकको के अर्थ हुन्छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा जाने खालको। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघीय समाजवादी फोरम नेपालके सरकारमे आब आग्रह गरेर आइ रहल अछि। दुनू पार्टी बीच यादवके परराष्ट्र मन्त्री बनेबाक अनौपचारिक सहमति समेत भऽ चुकल अछि। प्रदेश नम्बर दुके मुख्यमन्त्री लाल बाबू राउत शिक्षा नीति अपना सबके उच्च प्राथमिकतामे रहत धारणा रखलेने छ। आसमान नेपाल आ एनसी नेपाल के संयुक्त आयोजना में
जनकपुर में भेल संघीय संरचना में शिक्षा आ सुशासन के सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय बहस में मुख्यमंत्री राउत परंपरागत शिक्षा से देश के विकास आ विद्यार्थी भविष्य निर्धारण संभव नहीं रहल कहित उत्पादनमूलक शिक्षा में जोर देल जेबाक धारणा रख लेने छु। प्रणाली से अब प्रदेश स्तर बाट बनाउने जुन एन नियमावली हुन्छन् पक्कै पनि त्यो हामी बनाउने नै छौं। यो संविधानले दिएका कुरा संविधानले जुन हामीले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू छन् त्यो त्यसको परिधिभित्र रहे हामीले पक्कै यो पक्षको शिक्षा नीतिमा परिवर्तन ल्याउनेछौँ। यहाँका विभिन्न संघ संस्था लाई खास गरेर शिक्षासँग जुन संस्था आबद्ध छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ प्राविधिक शिक्षातिर चाहिँ उन्मुख गराउन सकिन्छ जुन सुझाव आयो मलाई के लाग्छ यो स्वागत योग्य छ र आजको युगको लागि प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा आवश्यक छ र यो शिक्षा प्राविधिक हुनुपर्छ। यसमा मलाई लाग्छ कि सबैतिरबाट यस्ता सुझावहरू आउने गरेका छन् त्यसैले निकट भविष्यमा हामीले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीति पनि यो समय सापेक्ष हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो जुन शिक्षाको यो किसिमको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने यो कुनै पनि परिवर्तनको कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि यदि त्यो ठाउँको शिक्षा राम्रो छ शिक्षा प्रणाली राम्रो छ भने त्यो ठाउँ विकास गर्न सजिलो छ। मुख्यमंत्री राउत विकास आ परिवर्तन के लिए शिक्षा मूल सिद्धांत के अंगीकार करित राज्य सरकार फास्ट ट्रैक में कानून निर्माण कर लागल धारणा रखल प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा एखन के आवश्यकता रहल कहितु शिक्षा नीति के सुशासन युक्त बनाव सरकार तत्पर रहत प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कने छलखिन। कार्यक्रम में शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला आ मदन प्रसाद वागले प्राविधिक शिक्षा में राज्य सरकार जोर देव पड़बाक सुझाव देने छलथि। उसब एकटा शिक्षक एकटा लैपटॉप एक विद्यार्थी एक लैपटॉप आ एक विद्यालय एकटा प्रोजेक्टर के अवधारणा में जोर देने छलथि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर दू के आठों जिला के विभिन्न स्थानीय निकाय के मेयर उपमेयर एवं गाँव पालिका प्रमुख उप प्रमुख सबके आमंत्रित कर गुणस्तरीय शिक्षा के लिए विभिन्न चर्चा परिचर्चा कैल गेल छल। सुशासन कायम का प्रदेश नंबर दू के समृद्धि के बात में ल जाए के लिए मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत 11 बुदे प्रतिबद्धता व्यक्त कने छथि। प्रदेश सरकार सुशासन बिना समृद्धि कायम कर निसकबाक निष्कर्ष निकालित ई प्रतिबद्धता सब जनाओल गेल अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश नंबर दू के शुरुआतक समय में कंगाल प्रदेश कह का प्रचार करवा काज कैल गेल छल। किछ व्यक्ति त अइ प्रदेश के कंगाल रहल दावी सहित विभिन्न तर्क सब दैत आयल छल मुदा अइ क्षेत्रक राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवी सब प्रदेश नंबर दू समृद्ध रहल आ अधिकार देव नहीं खोजय वाला सब कंगाल कह रहल आरोप लगबैत आयल छल। ओना त तहिया संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सेहो जानकी मंदिर के चढ़ौना से प्रदेश नहीं चलवा कहत हालक सीमांकन प्रति असंतुष्टि जनवैत आयल छल। ओ प्रदेश नंबर दूक सीमा के दायरा बढ़ाओल जेबाक कहत आयल छलित जे एखनो मधेस केन्द्रित दलक मांग छे। ई आरोप आ असंतुष्टि के बीच दूनोर प्रदेशक सीमा खींचल गेल प्रदेशक चुनाव सेहो भेल मंत्री परिषद गठन भेल लाल बाबू राउत नेतृत्व के सरकार पहिनका ई आरोप के गलत साबित करवा कहत ई प्रदेश के सातू प्रदेश से समृद्ध बनेबाक दावी करत आयल छथि। स्वाभाविक छे समृद्धि के बाट अतेक सहज नहीं छे। रात मुख्यमंत्री भेला लगले एकटा बात प्रमुख रूप में उठवत आयल छथि ई छे सुशासन अर्थात सुशासन बिना विकास आ समृद्धि के कल्पना नहीं कैल जा सकैया। तैं सुशासनक लेल राउत सरकार 11 बुंदा के प्रतिबद्धता जारी केने छे। मुख्यमंत्री राउत मंत्री परिषदक कार्यालय में पत्रकार सबके बजा कर प्रतिबद्धता सार्वजनिक केने छथि। एगारह बुंदा के प्रतिबद्धता में की प्रतिबद्धता नंबर एक ई प्रदेश भीतर पूर्ण रूप में सुशासन कायम कैल जायत भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाओल जायत। प्रतिबद्धता नंबर दू नीतिगत रूप में कैल जाय वाला भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं हैत।
प्रदेशक दैनिक प्रशासन में ढिला सुस्ती सहन नहीं कैल जायत। प्रतिबद्धता नंबर 3, प्रदेश नंबर 2 सेवाग्राही जनता के लेल सरकारी कर्मचारी सब से 24 घंटा भीतर काज पूरा कर पड़त। 24 घंटा में काज पूरा कर नहीं सकला पर न्यायोचित कारण भेला पर एहि विषय में सेवाग्राही के जानकारी करावा पड़त। प्रतिबद्धता नंबर 4, सेवाग्राही के हित के ध्यान में रखकर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यालय माथत हेलो प्रदेश सरकार के स्थापना कैल जायत। निःशुल्क टेलीफोन सेवा से बाद में सार्वजनिक कैल जायत। प्रदेशक कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी कह के मतलब जनता के सेवक रहल संदेश जनता में प्रवाहित करत। प्रतिबद्धता नंबर 6, ईमेल cmprovince2@gmail.com सहित और विद्युतीय माध्यम सब से समेत जनता अपन उपराग सब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखा सकय। प्राप्त भेल जनता के उपराग सब में तत्काल कार्रवाई कैल जायत। उपराग ऊपर की कार्रवाई भेल कहल जानकारी निवेदनकर्ता के देल जायत। प्रतिबद्धता नंबर 7, जनता संग मुख्यमंत्री रहल जनता संग प्रत्यक्ष संवाद हो वाला किस्म के कार्यक्रमक लेल संचार माध्यम प्रयोग कैल जायत। जनता संग मुख्यमंत्री कार्यक्रम समेत मुख्यमंत्री के सुशासन कार्यक्रम के एकटा भाग रहत। जेना जनता सीधे अपन उपराग सब मुख्यमंत्री समक्ष राख पाओत। प्रतिबद्धता नंबर 8, प्रदेशक विभिन्न ठाम जेना गाँव पालिका नगर पालिका वड़ा तथा टोल सहित विभिन्न ठाम में मुख्यमंत्री जनता के घर दुहार में जाकर प्रदेश सरकार प्रति रहल उपराग सब सुनत। ई उपराग सब के संबोधन करवाक प्रयास सेहो कैल जायत। प्रतिबद्धता नंबर 9, ई प्रदेशक जनता के दैनिक उपभोग्य वस्तु आ सेवा में हो वाला कालाबाजारी वा महगी नियंत्रणक लेल प्रभावकारी रूप में बाजार भावक अनुगमन करैत कालाबाजारी नियंत्रणक लेल सरकार प्रतिबद्ध अछि। प्रतिबद्धता नंबर 10, अनियंत्रित आ अवैध रूप में भ रहल मदिरा बेच बिखन तथा सेवन के आवश्यक नीति बनाकर नियंत्रण कैल जायत। अंतिम प्रतिबद्धता अर्थात प्रतिबद्धता नंबर 11, वन जंतु तस्करी प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन तथा वन फड़ानी कार्य के तत्काल रोकल जायत। एना क मुख्यमंत्री राउत 11 बंदा के प्रतिबद्धता जनौने छथि, मुदा ई प्रतिबद्धता सब पूरा कर ई प्रदेशक नियम आ कानून बनब सेहो आवश्यक अछि। कानून बिना काज कर समस्या हेबाक बात मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कऽ रहल छथि। नीति लाई अवलम्बन करने बने पछि नीति छ भने यो प्रदेश भीतर सुशासन कायम गर्ने, यो प्रदेश भीतर रहेका कुशासन र अहिले चाहिँ तपाईँ कुरा उठाउनु भयो ती जम्मैलाई समाप्त गर्ने मेरो चाहिँ नीति छ। त्यो नीति अन्तर्गतको म नियम त बनाउँछु नि, म त कानुन बनाउँछु, त्यसरी म अगाडि बढ्छु। यो आइसकेपछि नीति आइसकेपछि हामी यस अन्तर्गत अब कानुन बनाउँछौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको चाहिँ यो नीति आइसकेपछि अब कानुन बनाएर कसरी त्यसलाई नियमन गर्ने, कसरी चाहिँ कानुनभित्र ल्याउने, अब हाम्रो कानुन आउँछ। त्यसैले यो भनेको यो तपाईँसँग भनेको हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको योलाई कसरी चाहिँ हामी आफ्नो प्रदेशभित्र हुने स्रोत साधनहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढ्ने हो तपाईँलाई यो जानकारी गराउन खोजेको हाम्रो अब आउने नीति। मुख्यमन्त्री यी प्रदेशमे सुशासनक लेल प्रतिबद्धता जनाएब निक पक्ष अछि, मुदा यी प्रतिबद्धता पूरा कर ओतेक सहज नहि छै। किएकि प्रतिबद्धता त बादक बात छै, सबसे पहिने सरकार के स्वयं काज करबाक वातावरण नहि भेटल छै। यहाँ के छ भने जुन कर्मचारीहरू संघीय सरकारबाट खटाइनु पर्छ ती खटेको कर्मचारी अहिले हामी नभएर हामीलाई काम गर्न अहिले हामीसँग मुख्य सचिव लगायत सचिवजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम गर्न असजिलो भइरहेको छ। अब भोलि पर्सिमा अब हामी नयाँ अब हाम्रो अब भनौँ न मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ, त्यो मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेपछिको अवस्थामा अब पक्कै पनि अब काम गर्ने कर्मचारीहरूको आवश्यकता हुन्छ र त्यसैले अब त्यहाँबाट खटाइनुपर्ने कर्मचारीहरूको पनि अब त्यस किसिमको मलाई लाग्छ कि यदि त्यहाँबाट समयमै खटाइयो भने यहाँ समयमै कर्मचारीहरू पुग्यो भने यहाँका अब जुन केन्द्रबाट आउनुभएको कर्मचारी र यो प्रदेशभित्र अहिले काम गरिराख्नु भएको सचिवजीहरू उहाँहरूले काम गर्न सजिलो हुन्छ र हामीलाई आफ्ना अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरोलाई मध्यनजर राख्दै हामीले पत्र पठाएको। काज करबाक प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता जनाउने अछि। आशा कयल जाए कि ई प्रतिबद्धता पूरा भ कऽ प्रदेश 2 में सुशासन कायम हैत आ एहि प्रदेशक जनता संहिता के निक पक्षक आभास कर पाओत। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम।
कैलाली जिला अदालत टीकापुर घटनाक अभियुक्त तथा सांसद रेशम चौधरी के पूर्व पक्ष के लिए थुना में राखा आदेश दिलक है। न्यायाधीश परशुराम भट्टराई के जिला से चौधरी के जिला कारागार धनगढ़ी पठाव आदेश दिल गए। टीकापुर घटना के बाद फरार रहल चौधरी के सोम दिन अदालत समक्ष आत्मसमर्पण कने छल। लगते हुनक बयान लेबक के साथ दोनों पक्ष से बहस कैल गेल छल। बहस के क्रम में चौधरी के वकील सब जनता के भारी मत से विजय भ चुकल हुनका साधारण तारीख में छोड़ा पड़वाक तर्क रखने छल। चौधरी फरार रहल अवस्था में कैलाली एक से प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव में भारी मत से जीतल है। मुदा न्यायाधीश भट्टराई के इजलास से जनमत गैरकानूनी काज नुकाब के राजनीतिक आवरण होबन सकबाक तर्क रखने। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री थमाया थापा सरकार देश के समृद्ध बनाब ठोस नीति लेबाक दावी कल। मंत्री थापा शैक्षिक नीति के समय आ परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन करते लजेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कल। सोम दिन दिल्ली बाजार कन्या बहुमुखी कैंपस के 38वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के संबोधन करित शिक्षा क्षेत्र के सबलीकरण कर शैक्षिक नीति के सामयिक बनबित लजेबाक तर्क रख लेने चल। सरकार सञ्चालन गर्दैन आम रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा एउटा आफ्नो प्रस्त दृष्टिकोण सहित देशलाई सञ्चालन गर्ने शिक्षा देखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी कस्तो खालको नीति बनाउने कस्तो खालको नीति बनाएर देशलाई सम्पन्न बनाउने समृद्ध बनाउने भन्ने बारेमा एउटा ठोस नीतिको साथ अगाडि बढ्न सके भने वास्तवमा यो पाँच वर्षभित्र हामीले धेरै नीतिहरूमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। शिक्षा नीतिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँ हाम्रा पूर्ववक्ता व्यक्तिहरूले पनि हाम्रा जुन हाम्रो पक्षमा अथवा हाम्रो देशको पक्षमा राज्यको पक्षमा र शिक्षा नीतिलाई सबल बनाउनको निम्ति जुन खालको चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ निश्चित रूपमा ती सुझावहरूलाई नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि समय परिस्थिति अनुसार यो जुन खालको परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ र खास गरी यो सामुदायिक स्कुलहरू सामुदायिक क्याम्पसहरू र त्यसमा पनि अहिले जुन महिलाहरूले मात्रै जुन खालको अध्ययन गर्ने जुन सामुदायिक स्कुलहरू छन् ती स्कुलहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भौतिक रूपमा र शिक्षालाई एउटा सम्मानक बनाउनको लागि गुणस्तर बनाउनको लागि कस्ता खालको नीति दिने भन्ने बारेमा पनि सरकारले राज्यले एउटा ठोस नीति दिनुपर्ने हुन्छ। मन्त्री थापा राज्यको सब निकायमै जनताको समान पहुँच पहुँचेबाक आश्वासन देने छलथि। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भगत सिंह कोशियार भारत नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व आ विकास चाहने धारणा रखलक। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह एजीपी भारतीय पक्ष के संयोजक समेत रहल हो केपी ओली नेतृत्व के नया सरकार नेपाली जनता के दुख आ दर्द हटाब में सफल हाथ से विश्वास व्यक्त कलने। ओ ओली नेतृत्व सरकार देश आ जनता के हित में काम करत समेत स्पष्ट कलने। सोम दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजेट उपाध्यक्ष कोशियार नेपाली जनता के अपेक्षा पूरा कर ओली नेतृत्व सरकार के सफलता भेटोक से स्वयं सब पशुपतिनाथ संग प्रार्थना कने धारणा रख लेने। ये बहुत हर्ष की बात है कि नेपाल के अंदर ये प्रजातांत्रिक रूप से पहली बार विधिवत संविधान के अनुसार सरकार गठित हुई है और मैं कह सकता हूँ कि इट्स ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट और ऐसा अचीवमेंट नेपाल की जनता ने दिया है। खून खराबा नहीं हुआ झगड़ा नहीं हुआ और भारी बहुमत दिया और इसके लिए मैं नेपाल की जनता का अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ और उनका प्रशंसा करता हूँ। जहाँ तक भारत नेपाल संबंध का सवाल है मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी नेपाल के नेता हैं उन सब का भारत से संबंध है और जहाँ तक पब्लिक का है पब्लिक का तो भारत और नेपाल का संबंध एकदम इतना अटूट है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे दूध में अगर चीनी मिला दी आप चीनी को अलग नहीं कर सकते तो ऐसे ही भारत और नेपाल के संबंध है। और इसलिए अब चूँकि सरकार बनी है जनता की बहुत अपेक्षा है people have got very high aspiration and high expectations from this government.
और इसलिए ये हमारा भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना है कि जो सरकार बनी है वो जनता के लिए काम करे, जनता के दुख दर्द को दूर करे और सरकार में स्थायित्व आए, स्टेबिलिटी आए, क्योंकि फॉर डेवलपमेंट स्टेबिलिटी इज मस्ट एंड देयरफॉर वी होप एंड वी प्रे पशुपतिनाथ जी कि देयर मस्ट कम स्टेबिलिटी और देयर मस्ट कम डेवलपमेंट, जिससे डेवलपमेंट हो सके, ऐसी स्टेबिलिटी आए। और जहाँ तक ईपी जी का सवाल है, हम सब लोगों ने चाहे वो 1950 के संधि हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे ट्रांजिट हो, चाहे वाटर हो, चाहे और ये नहीं, बल्कि इस बार तो हम लोगों ने चाहे कनेक्टिविटी हो, आपका क्यों नहीं रेल से जुड़ना चाहिए, यहाँ से डिमांड क्यों नहीं उठती है, भारत से तो मैंने डिमांड उठा दी है कि भाई नेपाल और काठमांडू को कम से कम भारत से ट्रेन आनी चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। और सारी बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलपमेंटल चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के, फिर आजकल इतना साइबर क्राइम हो रहा है उसके संबंध में आपस में मिलकर बैठ कर काम करना चाहिए। आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पूरा हिमालय एरिया एक सा है, उसके लिए कैसे हम आपस में मिलकर कर सकते हैं। तो ऐसे सारे विषयों पर हम और ऐसा इसको व्यापक बना करके और कोशिश करेंगे कि अगली रिपोर्ट जो आए वो अच्छी रिपोर्ट आए और दोनों देशों के हित में हो, और विशेष करके रिपोर्ट आने के। उपाध्यक्ष कोशियार नेपाल भारत बीच के संबंध और विस्तार होते जेबाक आशा समेत व्यक्त कयने छलथि। ईजीपी के बैसार में भाग लेबा नेपाल आयल ओ प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा, माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल संग अलग अलग भेंटवार्ता कयने छलथि। काठमांडू के पुतली सड़क स्थित शेयर मार्केट कम्प्लेक्स के भवन में अगलगी भेल छल। भवन के चारिम तल्ला में रहल एनआईसी ट्रेडिंग सेंटर में सोम दिन भोर में करीब 9 बजे अगलगी भेल छल। आग काठमांडू महानगरपालिका, नेपाली सेना के दमकल, पुलिस आ स्थानीय के प्रयास में तत्काल नियंत्रण भेला के बाद नमहर क्षति होब से बाँच गया। अगलगी के कारण आ क्षति के विवरण नहीं आब सकल। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा अंतर्गत भक्तजन के टोली धनसाक औढ़ी पहुँचल। 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी अंतर्गत भक्तजन के टोली धनसाक समैला नगरपालिका साय धनसाक औढ़ी गाँवपालिका स्थित पहुँच कर विश्राम करत। ओहि क्रम में भक्तजन सौढ़ी गाँवपालिका क्लब सब भव्य स्वागत कलक। परिक्रमा में परिक्रमा टोली मंगल दिन भारत के करुणा के लिए प्रस्थान करत, तक बाद भारत के बिशौल होत बृहस्पति जनकपुर धाम पहुँचत। तक बाद शुक्र दिन जनकपुर में अंतर्गृह परिक्रमा के बाद मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत रूप में सम्पन्न भ जायत। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के ध्यान में राखि जनकपुर में सर सफाई कयल गेल। जनक युवा क्लब के नेतृत्व में जनकपुर के जनक चौक, मिथिला बिहारी के मंडप, डिहबार मंदिर लगात के स्थान में सर सफाई कयल गेल। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा टोली के सहजता के लिए सर सफाई कयल गेल। जनक युवा क्लब के सदस्य बेचन दास जानकारी करौने छथि। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के टोली जनकपुर आब के किछु दिन मात्र बाकी है। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड विस्तार के काम निर्धारित समय में नहीं सम्पन्न भेला के बाद ठेकेदार कंपनी थप 3 वर्ष समय मांग कलक। बेर बेर समय थप करत आयल सड़क निर्माण कंपनी अखन धरि 75% मात्र काम सम्पन्न भेला से थप 3 महीना समय मंगने आयोजना के इंजीनियर शिव खनाल जानकारी करौने छथि। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के 300 मीटर पहाड़ काटा पड़बाक मध्य 120 मीटर मात्र काटल गेल, 180 मीटर पहाड़ एखनो काट के बाकी है। लगभग 6 महीना आगू सदरमुकाम सिरहा स्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवैता यादव बहुमुखी कैंपस में लगाओल गया तालाबंदी सोम दिन खुजल है। कैंपस में केने अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अनिरा सोबियो आ कैंपस प्रशासन बीच रवि दिन भेल वार्ता में सहमति भेला के बाद तालाबंदी खोल गया। कैंपस प्रशासन संग 7 बुद्धि सहमति भेला के बाद गत आसिन पहल सप्ताह से लगाओल गया तालाबंदी खोल गया। अनिरा सोबियो सिरहा के अध्यक्ष सुदन कुशियत जानकारी करौने छथि। धनसाधाम स्थित सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सब तलब भत्ता नहीं पाने कहित आंदोलन में उतरल छथि। धनसाधाम के सामुदायिक विद्यालय अंतर्गत उच्च मावि प्राविधिक बाल विकास आ विद्यालय के कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल छथि। ओ सब 8 महीना से तलब भत्ता नहीं पाने कहित स्थानीय निकाय के 24 घंटे अल्टीमेटम देने अच्छे। तलब भत्ता निकासा नहीं भेला से समस्या में पड़ल कहित सब धनसाधाम नगरपालिका के मेयर बालेश्वर मंडल के ज्ञापन पत्र समेत बुझौने। सब इलाका प्रहरी कार्यालय धनसाधाम के प्रहरी निरीक्षक प्रकाश दहाल सब में
समेत ज्ञापन पत्र बुझौने छल ओसब नगरपालिका के अधिकृत तलबत्ता के लिए अटेरी कर रहा आरोप लगौलने सरकार सोम दिन से सीटामोल के उत्पादन शुरू कलक सरकारी स्वामित्व में रहल नेपाल औषधि लिमिटेड सोम दिन से सीटामोल के व्यावसायिक उत्पादन शुरू कलक गत आसीने में सीटामोल उत्पादन करब कहने छल आवश्यक सामग्री बंदोबस्त कर नहीं सकला से तोगल गेल मिति में सीटामोल उत्पादन कर नहीं सकल गेल लिमिटेड के महाप्रबंधक डॉक्टर रोमस कुसुम सुवेदी जानकारी दिलने एक बैच में 3,20,000 यूनिट टैबलेट उत्पादन कर के लक्ष्य राखल गेल परीक्षण काल में एक बैच में 80,000 मात्र टैबलेट उत्पादन होबा समेत महाप्रबंधक सुवेदी जानकारी कराने त्यसलाई फेरि यसको हेरेर कस्तो हुन्छ त्यसपछि 1,60,000 त्यसपछि 3,20,000 मा चाहिँ हाम्रो स्टक हुन्छ त्यो हाम्रो लिमिटेसन हो अहिले सिटामोल मात्रै हो जीवनजल चाहिँ भइ नै रह्यो त्यो जीवनजल कन्टिन्यू भयो अनि प्रोडक्ट एडेडमा चाहिँ सिटामोल भयो सिटामोलको सर हामीले यो दैनिक अब कति उत्पादन गर्ने यसको लक्ष्यहरू बजार मूल्य के छ बजार मूल्य हामीले 1 रुपियाँ राखेका छौँ र यो एमआरपीमा सिलिङ भएको प्रोडक्ट पनि हो तर के भने यसमा प्रोफिटेबिलिटी धेरै छैन त्यस कारणले मार्जिनल प्रोफिट हुन्छ यो चाहिँ रिसेन्ट उसमा चाहिँ र मेटेरियलहरूको हाइकले गर्दाखेरि यसमा प्रब्लमेटिक छ तर हामीले चाहिँ के भने यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड प्लस अहिलेको नेपाली जनताको रिक्वायरमेन्ट सिटामोल जीवनजल जुन छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बनाएका हौँ लिमिटेड गत वर्ष जीवनजलको उत्पादन समेत सुरु कर चुकल अछि 10,00,000 युनिट ट्याब पहुँचलाके बाद मात्रै बजारमे पठाल जेबाक योजना अछि सीतामोलके माग पूरा कर नै सकबाक भेलासँ समेत तत्काल बजारमे पठाबके अवस्था नै रहल महाप्रबन्धक सुवेदी जानकारी गराउनु छथि आब इन्टरनेसनल न्यूज बॉलीवुड के चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी के मृत्यु पानी में डूब के भेल तथ्य बाहर आयल संयुक्त अरब इमिरेट्स के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा जारी भेल रिपोर्ट में श्रीदेवी के मृत्यु पानी में डूब के भेल बताओल गेल होटल के कोठली में रहल बाथटब में डूब के श्रीदेवी के मृत्यु भेल बताओल गेल चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी के 24 फरवरी में दुबई में निधन भेल छल ओ अपन भतीजी के विवाह में सहभागी होब अपन श्रीमान बोनी कपूर आ छोटकी लड़की खुशी कपूर के साथ दुबई गेल छले दुबई में पुलिस श्रीदेवी के परिवार आ भारतीय दूतावास के देने प्रतिवेदन अनुसार दुर्घटनावश डुबला के कारण श्रीदेवी के निधन भेल जनाओल गेल एखन धरि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर भारत नै लाओल गेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ अन्य औपचारिकता पूरा कला के बाद मात्रे हुनक पार्थिव शरीर भारत लाओल जायत ओहिसँ आगू श्रीदेवी के मृत्यु आकस्मिक हृदयघात के कारण भेल बताओल गेल छल 54 वर्षीय श्रीदेवी अपन 5 दशक के फिल्म यात्रा में करीब 300 फिल्म में काम कने छलथि हुनक जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु में भेल छलनि ओ चार वर्ष के उमेर से तालीम फिल्म कंधन करुणाई से अभिनय यात्रा शुरू कने छली सन 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपन करिश्मा देखौने छली हिम्मत वाला तोहफा मिस्टर इंडिया नगीना जेहन सुपरहिट फिल्म में ओ अभिनय कने छथि हुनका लेडी अमिताभ बच्चन के नाम से समेत चिन्हल जाइत अछि सन 2017 में श्रीदेवी के फिल्म फिल्मी क्षेत्र में योगदान पहुँचौला के कारण श्रीदेवी के पद्मश्री अवार्ड से समेत सम्मानित कयल गेल छल बोनी कपूर संग सन 1996 में विवाह कला के बाद फिल्मी क्षेत्र से दूर भेल श्रीदेवी सन 2012 में फिल्म इंग्लिश से पुनरागमन कयने छली अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से प्रधानमंत्री ओली से मंत्रिपरिषद विस्तार 4 मंत्री थपल गेल बादल गृह पोखरेल रक्षा कतिवरा अर्थ आ मातृका के उद्योग संविधान संशोधन करबाक राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाओल गेल तब मात्र सरकार में सहभागी होबाक फोरम से स्पष्ट टीकापुर घटना के अभियुक्त तथा सांसद रेशम चौधरी से आत्मसमर्पण
पूर्व पक्ष के थुनामा राख केलाली अदालत के आदेश। मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा जारी, भक्तजन की टोली औरही पहुंचल। आ बॉलीवुड के चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी के मृत्यु, पानी में डूब के तथ्य सार्वजनिक, बाथटब में डूब के निधन भेल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।